स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। यानी कि सिमिलर अगर कोई दो ट्राइंगल हैं तो उनके एरिया में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। क्या मीनिंग है कि मान लो एक ट्राइंगल ए बी सी है और एक ट्राइंगल डी ई एफ है, सच दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो जो इनके एरिया का रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल रहेगा। मीन्स ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड डी ई है तो ए बी स्क्वायर रेशियो डी ई स्क्वायर किसके इक्वल रहेगा, ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। हमने कंसिडर किया ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ, और ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। तो मान लेते हैं कि ए के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल डी है, बी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ई है और ई के सी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एफ है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ए एल इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी एम परपेंडिकुलर टू ई एफ। ठीक है, और एंगल्स के अलावा हम क्या कहेंगे, साइड्स का रेशियो इक्वल है। मीन्स ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये चीजें हम कहां से कह सकते हैं, बस सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। नाउ देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ डी ई एफ क्या रहेगा, हाफ इंटू बेस बी सी को माना हमने, हाइट क्या ए एल डिवाइडेड बाई हाफ इंटू डी ई एफ में बेस हमने लिया ई एफ और हाइट क्या है डी एम, हाफ से आप कैंसिल आउट, तो ये क्या रह जाएगा ए एल इंटू बी सी डिवाइड बाई डी एम इंटू ई एफ किसके को लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, बड़ा ही सिंपल प्रूफ है ये। नेक्स्ट देखो, अगर हम इस ए एल और डी एम को बी सी और ई एफ से रिप्लेस कर दे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि यहां बी सी स्क्वायर हो जाएगा और फिर यहां ई एफ स्क्वायर हो जाएगा। उसके लिए देखो, हम छोटा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं। जैसा कि हमें गिवन है कि एंगल बी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ई है, यानी कि एंगल बी किसके इक्वल हो गया, आपका एंगल ई के इक्वल है, और ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री और यहाँ ये वाला एंगल क्या है 90 डिग्री। ठीक है, यानी अगर इसको मैं 1 कहूँ और इसको 2 कहूँ तो एंगल 1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। यानी कि अगर हम कहें कि ए बी एल और डी ई एम में दो एंगल्स क्या हो गए, इक्वल, तो बाय डबल एंगल ट्राइंगल ए बी एल और ट्राइंगल डी ई एम ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर। अगर ये दोनों सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो यहां से देखो, हमें क्या करना था, ए एल और डी एम के बारे में सोचना है, तो यहां से हमने ए एल चूज किया और यहां से डी एम आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग ए एल अपॉन डी एम किसके इक्वल रहेगा, इक्वल्स टू ए बी अपॉन डी ई। ठीक है, बट हमारा यहां बी सी अपॉन ई एफ है, तो हमने क्या कहा, हमें गिवन था कि जो आपका ए बी अपॉन डी ई है दैट इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, तो ये हमें क्या है, गिवन है। तो इन दोनों को जब देखेंगे हम लोग, तो ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो इन दोनों की राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, इक्वल। मीन्स ए एल अपॉन डी एम किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी अपॉन ई एफ। तो ए एल अपॉन डी एफ को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, बी सी अपॉन ई एफ से। तो ए एल अपॉन डी एम को जब बी सी अपॉन ई एफ से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास में ये रह जाएगा, मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इंटू बी सी अपॉन ई एफ, तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर। और अब हमें क्या गिवन था कि जो बी सी अपॉन ई एफ है वो ए सी अपॉन डी एफ के इक्वल है, यानी कि बी सी अपॉन ई एफ को हम ए सी अपॉन डी एफ से रिप्लेस कर सकते हैं और बी सी अपॉन ई एफ को ए बी अपॉन डी ई से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो सिमिलरली हम क्या कहेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ का स्क्वायर।
यानी कि सॉरी ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए डी ई स्क्वायर कह सकते हैं। यानी कि हमने क्या प्रूव कर दिया कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके जो एरिया का रेशियो रहेगा वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के हमें मिलता है, क्या कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स। यानी कि अभी तो हमने ये प्रूव किया कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल रहेगा, अब क्या प्रूव करेंगे कि उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स होंगे उनके स्क्वायर के रेशियो के भी इक्वल रहेगा। अगर किसी बच्चे ने लास्ट जो हमने अभी प्रूफ किया उसको ढंग से किया होगा तो ये प्रूफ हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, सेम मान लेते हैं दो ट्राइंगल है ए बी सी और डी ई एफ एंड दे आर सिमिलर, एक एल्टीट्यूड ले लेते हैं ए एल और एक एल्टीट्यूड ले लेते हैं डी एम। तो अभी अभी हमने प्रूव किया कि ए बी सी और डी ई एफ के एरिया का जो रेशियो रहेगा वो ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि पहले वाले प्रूफ में हमने कहा कि ए बी एल इज सिमिलर टू डी ई एम बिकॉज एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई एंड दिस एंगल 90 डिग्री हेयर दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो ए बी एल क्या हो जाएगा डी ई एम के सिमिलर। मींस हम लोग ये कह सकते हैं कि ए बी और डी ई का जो रेशियो रहेगा दैट इज इक्वल टू ए एल एंड डी एम का जो रेशियो है, मींस ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए एल अपॉन डी एम। तो हम लोग इसके अंदर ए बी अपॉन डी ई को किससे रिप्लेस कर सकते हैं ए एल अपॉन डी एम, यानी या फिर इसका स्क्वायर कर लो बोथ साइड, तो ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा ए एल स्क्वायर अपॉन डी एम स्क्वायर। तो यहां से हम लोग क्या कह देंगे ये जो रेशियो है किसके इक्वल हो जाएगा ए एल स्क्वायर अपॉन डी एम स्क्वायर। तो हम लोग एक रिजल्ट ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनका जो एरिया का रेशियो रहेगा वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के तो इक्वल रहेगा, साथ में कॉरस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड्स रहेंगे उनके स्क्वायर के रेशो के भी इक्वल रहेगा। इसी के साथ हम लोग एक और रिजल्ट भी ध्यान रखेंगे कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो जो उनके एरिया का रेशियो रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर के रेशो के भी इक्वल रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहां मैंने दो ट्राइंगल कंसीडर की ए बी सी और डी ई एफ, मान लिया ये दोनों क्या हैं सिमिलर हैं, ए के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल डी है, बी के कॉरस्पॉन्डिंग ई है, सी के कॉरस्पॉन्डिंग एफ है, और ए पी ए बी सी की मीडियन है और डी क्यू डी ई एफ की मीडियन है। मींस पी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ई एफ। मींस आप लोग ये कह सकते हैं कि BC का हाफ किसके इक्वल रहेगा BP के इक्वल, या फिर BC इज इक्वल टू 2BP, और ऐसे ही EF क्या कह सकते हो 2 टाइम्स EQ, मीडियन का मीनिंग ऐसा कह सकते हैं। तो अब देखो फर्स्ट रिजल्ट, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं ABC और DEF तो उनके जो एरिया का रेशियो रहेगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल रहेगा, मीन्स AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर ऐसा कह सकते हैं। अब देखो ए बी सी और डी ई एफ ये क्या हैं सिमिलर ट्राइंगल हैं, अगर सिमिलर ट्राइंगल है तो ए बी रेशियो डी ई इज इक्वल टू बी सी रेशियो ई एफ ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। अब बी सी तो किसके इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ बी पी, तो बी सी को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया 2 टाइम्स ऑफ बी पी से, और ई एफ किसके इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ ई क्यू, तो ई एफ को रिप्लेस कर दिया 2 टाइम्स ऑफ ई क्यू। मीन्स ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट बी पी अपॉन ई क्यू, और बी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या था ई था, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई है, और ए बी और डी ई का रेशियो किसके इक्वल है बी पी और ई क्यू के रेशियो के इक्वल है। मीन्स दो साइड्स का रेशियो इक्वल है और उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल ए बी पी क्या हो जाएगा सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई क्यू, ये जो वाला है ए बी पी ये डी ई क्यू के क्या है सिमिलर है।
अगर सिमिलर है तो ए बी का रेशियो किसके साथ में, ई डी के साथ, और ए पी का रेशियो डी क्यू के साथ क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या रहेगा, सेम। मीन्स ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए पी अपॉन डी क्यू, बिकॉज हमें ए पी अपॉन डी क्यू के फॉर्म में लेके आना है। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए पी स्क्वायर अपॉन डी क्यू स्क्वायर। अब ये चीज हमें क्या फर्स्ट, और इसको बोला सेकेंड। ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देंगे, ए पी स्क्वायर अपॉन डी क्यू स्क्वायर से, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर अपॉन डी क्यू स्क्वायर, जहां ए पी और डी क्यू क्या है, मीडियंस ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स। ठीक है, तो यानी कि हमने एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स के जो रेशियो रहेगा उसको पांच चीजों के इक्वल प्रूव कर चुके हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स का स्क्वायर का रेशियो, और कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। नेक्स्ट इसी में हम लोग एक रिजल्ट और प्रूव करने जा रहे हैं कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट्स। यानी कि जैसे ट्राइंगल एबीसी लिया और डीईएफ है आपके पास में, अगर एएक्स एंगल ए का बाइसेक्टर है, डीवाई एंगल डी का बाइसेक्टर है, और ए और डी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो जो सिमिलर ट्राइंगल है ए बी सी और डी ई एफ, इनका जो एरिया का रेशियो रहेगा वो ए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय डी वाई स्क्वायर के इक्वल रहेगा। कैसे प्रूव करेंगे, देखो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, इट मीन्स, और ए एक्स बाइसेक्टर है एंगल ए का, मीन्स एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, और डी वाई बाइसेक्टर है एंगल डी का, तो एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एंगल जो थ्री है दैट इज हाफ ऑफ एंगल डी, एंगल थ्री क्या है हाफ ऑफ एंगल डी, और एंगल वन क्या है हाफ ऑफ एंगल ए, और एंगल ए और एंगल डी इक्वल है, तो एंगल ए और एंगल डी इक्वल है, तो क्या इनका हाफ इक्वल नहीं होगा, हाफ भी इक्वल होगा। इट मीन्स एंगल वन किसके इक्वल रहेगा, एंगल थ्री के इक्वल रहेगा, एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री, और एंगल बी और एंगल ई क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ के, ये दोनों इक्वल। तो डबल एंगल से हम लोग क्या कह सकते हैं, ए बी एक्स इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई वाई, ये जो है ए बी एक्स इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई वाई। ठीक है, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल रहेगा, ए एक्स अपॉन डी वाई। ठीक, तो दोनों तरफ स्क्वायर भी कर सकते हैं हम, ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर, इसको हमने सेकंड इक्वेशन बोला। फर्स्ट इक्वेशन किसको बोल रहे हैं, जो हमने प्रूफ फर्स्ट किया था कि जो दो सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो रहेगा दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और उनका रेशियो। ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, यहां से ए बी उठाया, यहां से डी ई स्क्वायर। ठीक है, वन और टू से ये वाली चीज इक्वल है तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आज के बाद आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, ये चार रिजल्ट माइंड में रखना है आपको कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, जो हमने फर्स्ट किया था बेसिक, द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड सेकेंड, द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस गुड, द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट्स। ठीक है, तो आपको जैसे ही दो ट्राइंगल सिमिलर दे दे, मैं कहूं कि एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ डी ई एफ में क्या क्या रिलेशन होता है, अगर ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई एफ, तो
तो आप लोगों को फटाक से लिखना आना चाहिए कि एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ किसके को रहेगा, ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल्टीट्यूड अपॉन एल्टीट्यूड स्क्वायर। ये एल्टीट्यूड ऊपर वाले का है, नीचे वाला एल्टीट्यूड नीचे वाले ट्राइंगल का, कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स की बात कर रहा हूँ मैं। मीडियन अपॉन मीडियन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये वाला मीडियन ऊपर वाले ट्राइंगल का, ये वाला मीडियन नीचे वाले ट्राइंगल का है। एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट अपॉन एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट और इन दोनों का स्क्वायर। ये छह चीज़ें लिखने आनी चाहिए आपको, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ डी ई एफ इज 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ई एफ आपका 15.4 सेंटीमीटर है देन फाइंड बी सी। तो देखो ई एफ, ई एफ का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, यहाँ बी सी है। तो एरिया ऑफ डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ई एफ स्क्वायर और ई एफ का कॉरस्पॉन्डिंग बी सी है तो बी सी स्क्वायर। तो ये रहेगा 121 अपॉन 64 इज इक्वल टू ई एफ स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। ये 11 स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर इज इक्वल टू ई एफ अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। यहाँ से ई एफ अपॉन बी सी क्या हो जाएगा, 11/8। ई एफ आपको गिवन है 15.4, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप सोल्व आउट करेंगे तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी 11.2 सेंटीमीटर। बी सी आपका रहा 11.2 सेंटीमीटर। इसके ऊपर कल एक क्वेश्चन हेमंत ने भी डाउट लिया था, तो बेटा वो क्वेश्चन आज हो जाएगा आपका जो कल आप डाउट भेज रहे थे। अगर नहीं होगा तो आई विल प्रोवाइड योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन पिक किया हमने। ये कह रहा है पी बी एंड क्यू आर, क्यू ए आर द परपेंडिकुलर्स टू सेगमेंट ए बी, यानी कि पी बी और क्यू ए ये क्या है, दो परपेंडिकुलर है सेगमेंट ए बी के ऊपर। पी ओ इज 5 सेंटीमीटर, क्यू ओ इज 7 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ बी ओ पी इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द एरिया ऑफ क्यू ओ ए। तो आप इन दोनों ट्राइंगल को देखो, अगर ये मान के चलो सिमिलरिटी में वो आपको एरिया के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो यहीं से क्वेश्चन है, मान के चलना ये इन्हीं चार रिजल्ट के ऊपर वो क्वेश्चन रहेगा सिमिलरिटी के अंदर। तो देखो इन दोनों ट्राइंगल को हम लोग सिमिलर इजिली प्रूव कर सकते हैं बिकॉज एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू 90 डिग्री बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट ए बी। एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर वाई बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बाय डबल एंगल ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर। सिमिलर होते ही हम लोग क्या कहेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ पी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ क्यू इज इक्वल टू, अब बात रही हमारे पास में 5 रिलेशन है उनमें से कौन सा रिलेशन हम लोग लिखें, तो वो लिखेंगे हम अपने गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। हमें पी ओ गिवन है तो यहाँ से अगर पी ओ उठाया तो यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या उठेगी, क्यू ओ, पी ओ स्क्वायर अपॉन क्यू ओ स्क्वायर। पी ओ आपको 5 गिवन है तो 5 स्क्वायर, 7 गिवन है तो 7 स्क्वायर। यहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ क्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सोल्व आउट करोगे दैट विल बी इक्वल्स टू 150 इंटू 49 डिवाइड बाई 25। कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है, इजिली कर सकते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेपीजियम के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। बेटा अगर ट्राइंगल को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं, जो मैं आपको वीडियो सेंड कर रहा हूँ, तो आपके लिए ट्रायंगल बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। जैसे मैंने देखो यहाँ सिमिलरिटी के ऊपर जो एरिया से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट थे सारे मर्ज करके मैंने आपको एक साथ प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। तो इससे बेटर आपको मटेरियल नहीं मिलेगा, आप इसी को फॉलो करो, इट विल बी गुड फॉर यू, ठीक है। इसके साथ आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा आपको बुक्स नहीं पढ़नी, बुक्स में से खाली एक्सरसाइज को सोल्व करना है, खाली एक्सरसाइज को, आपको कोई थ्योरी पढ़ने की नीड नहीं है। कहीं उसमें जाके फिर से प्रूफ करने लग जाओ कि पता नहीं कुछ अलग प्रूफ मिल जाए हमें,
ठीक है, वेरी शॉर्ट जो आपको प्रूफ्स हैं वो प्रोवाइड कर रहा हूं मैं, तो आप खाली क्या करें इसके बाद में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, डाउट है तो आप डाउट मेरे पास सेंड करें, मेरे पास डाउट सेंड करेंगे तभी मेरे को लगेगा कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखो, इन ट्रेपीजियम ए बी सी डी ए सी एंड बी डी आर इंटरसेक्टिंग एट ओ, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए बी क्या है टू टाइम्स ऑफ सी डी, ए बी की जो लेंथ है डेथ वो क्या है टू टाइम्स ऑफ सी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी 84 है, एरिया ऑफ सी ओ डी पूछ रहा है ये, तो हमने कहा कि ए ओ बी और सी ओ डी तो क्या है सिमिलर है, क्यों सिमिलर है बिकॉज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है इसने यहां लिखा नहीं बट ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 मींस डबल एंगल से ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी, तो एरिया ऑफ ए ओ डी अपॉन एरिया ऑफ सी ओ डी इज इक्वल टू, यहां से कॉरस्पॉन्डिंग साइड उठाया ए बी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उठेगा सी डी स्क्वायर, और ए बी किसके इक्वल है टू टाइम्स ऑफ सी डी, तो ये रहेगा टू टाइम्स ऑफ सी डी स्क्वायर डिवाइड बाय सी डी स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर, सी डी स्क्वायर डिवाइड बाय सी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर से सी डी स्क्वायर कैंसल आउट, इट विल बी इक्वल टू 4/1 मीन्स एरिया ऑफ ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ सी ओ डी इज इक्वल टू 4/1, अब एरिया ऑफ ए ओ बी आपको गिवन है 84, तो एरिया ऑफ सी ओ डी निकल जाएगा इजिली यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ सी ओ डी यहाँ आ जाएगा और 4 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, एरिया ऑफ सी ओ डी इज इक्वल टू 84/4 दैट इज 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ट्रेपीजियम के ऊपर आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, थैंक यू।